राधे राधे सभी दोस्तों को। चलिए आज हम आपके लिए बनाते हैं मसाला चाय। और मसाला चाय बनाने के लिए हम ये इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने वाले हैं। वह है इलायची, तेज़पत्ता, लौंग, गोलकी और दालचीनी। ये एक कप मसाला चाय के लिए इंग्रेडिएंट है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे तो सारे इंग्रेडिएंट को बढ़ा सकते हैं। मसाला चाय हम लोग के घर में बहुत फेमस है, क्योंकि सर्दी, जुकाम, इन्फेक्शन सब में ये मसाला चाय पीने में बहुत अच्छा लगता है। और इंग्रेडिएंट के साथ ये चाय पत्ती, चीनी और ये शहद, जो चीनी यूज़ नहीं करते उनके लिए शहद, और ये नींबू। तो चलिए मसाला चाय बनाने का प्रोसेस को शुरू करते हैं। गैस ओपन कर दिया है मैंने, और एक गिलास पानी इसमें उबालने के लिए रख दिए हैं। अब सभी मसालों को कूट लेते हैं अच्छी तरह से। मसाले जितने कूटे हुए रहेंगे चाय का स्वाद उतना ही आएगा। और ये जितने इंग्रेडिएंट मसाले सभी आपको दिखाए हैं, वो सभी मसालों को अच्छी तरह से कूट करके उबलते हुए पानी में इसको हम डालेंगे। और देखिए पानी में उबाल आ गया है, और हम ये सभी मसालों को उबलते पानी में डाल देंगे। पानी में देखिए ये मसाले उबलने लगे हैं। अब इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती, देखिए इसका कलर भी चेंज होने लगा है। और जब तक पूरी कलर चेंज नहीं हो जाए तब तक हम इसे उबालने के लिए छोड़ देते हैं। और अगर आपको ये चाय देखने में अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे का वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अभी न्यू मैं यूट्यूब ज्वाइन की हूँ। तो आप लोग का सपोर्ट होगा तो आगे भी वीडियो बनाएंगे। और चाय में अच्छी तरह उबाल आ गया है, और इसका कलर देखिए पूरी तरह चेंज हो गया है। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे, 2 चम्मच चीनी। जो लोग चीनी नहीं यूज़ करते हैं वो शहद डाल सकते हैं। इसे छानने के बाद नींबू और शहद इसमें ऐड करेंगे लास्ट में, लेकिन अगर जो चीनी पीते हैं वो चीनी अभी डाल सकते हैं। तो ये तैयार हो गई हमारी गर्मा गर्म मसाला चाय, और लास्ट में ये नींबू। नींबू में कितने गुण होते हैं आप सभी को पता है, तो देखिए, देखकर बताइए, लाइक और कमेंट सब्सक्राइब कीजिए कि आपको मसाला चाय कैसी लगी देखने में। धन्यवाद।